कहां तो तैसा चरागा हरे घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। आदाब, मेरा नाम राणा प्रताप सिंगर है और मैं एमपी जबलपुर से हूँ और वहाँ पे नौटंकी, रामलीला और विवेचना रचमंडल जो जबलपुर की बड़ी संस्था है उसमें काम किया है। फिर उसके बाद भोपाल में जनाब हबीब तनवीर जी के साथ थिएटर किया है। फिर उसके बाद यहाँ बम्बई आया। बम्बई में मैंने कुछ फिल्में और कुछ ऐड किए हैं जैसे कैडबरी फाइव स्टार का वो रमेश सुरेश। फिर उसके बाद 2009 में दास्तानगोई का शो देखा था भुवंस कॉलेज में, तकसीम हिंद। तो वो देख के लगा कि यार ये एक चीज़ है जो करनी चाहिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो बस उसके बाद फिर मैं महमूद जी के पास गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये दास्तान करनी है। उन्होंने ठीक है, तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है दास्तान। तो मैंने बोला कि जब मैंने इतना थिएटर किया है, जब सब कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकता हूँ। तो बस वो दिन है और आज का दिन है। 2009 से अभी तक तकरीबन 200 शो कर चुका हूँ। उसमें बहुत सारी दास्तानें हैं, तकसीम हिंद, चौबोली की दास्तान, आज़र जादू, बचपन, सडिशन, सारी दास्तानें की हैं। अच्छे अच्छे पार्टनरों के साथ काम किया है, राजेश, पूनम, उस्मान, सुधीश। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के। तेरा निजाम है सिंधे जबान शायर। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। ये कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। बस ये है कि दास्तान में एक चीज अच्छी है कि आप शुरू से हीरो रहते हैं, लास्ट तक हीरो रहते हैं। स्टेज पे आप आते हैं तो हीरो होके, बच जाते हैं तो हीरो बने। तो हाजरीन, गुलगुला किशाने आरज़े शाहिद बयान कुछ इस तरह फरमाते हैं कि भगवान राम की कृपा बनी रहे ताकि चौबोली की ये कहानी बारंबार सुनाई जाती रहे और हर युग और हर दौर और हर खत्ते और हर मुल्क और हर जबान और हर मकान और हर मकाम और हर आसमान तले इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले पैदा होते हैं। आप लोग यहाँ वाह वाह भी कर सकते हैं।